Hey everyone, you're watching me Unique and I'm your host Kramulak Ansari back again with the video. So guys, in today's topic, we are going to talk about some product from the Oriental Botanics. So guys, as I told you in my previous video that if you are using some product for your body or skin, so you have to remember that you are using completely organic or natural product. Otherwise, it will harm you if you are using chemical based products. So as I think you already know that. So without any delay, let's go and check out the cinematic first. Then we will talk about the product and how it is and how to use them. So without any delay, let's go. सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं ओरिएंटल बोटैनिक्स के ऑस्ट्रेलियन टी ट्री सीरम के बारे में. सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ऑस्ट्रेलियन टी ट्री सीरम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. और एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि जो टी ट्री जो पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जो उसकी लीव्स होती है उसको स्टीम करके इस ऑयल को निकाला जाता है. उसकी वजह से ये इतना महंगा है क्योंकि ये वहाँ से इम्पोर्ट होता है ओनली. तो जो ये टी ट्री सीरम है वो आपकी स्किन की जितने भी एक्ने हैं एक्ने को ठीक करेगा और जो ऑयली स्किन है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है. और बात करें इसके यूज़ करने की, तो आपको सिंपली इसके लेनी है 2-3 ड्रॉप अपने पाम पे और अपने फेस पे लगा लेना है. फेस पे लगाने के बाद इसको जेंटली मसाज करना है. मसाज करने के बाद आपको अपने फेस की स्किन पे लगे रहने देना है ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन पे. 2-5 मिनट्स के बाद आपको ये गर्म पानी से वॉश आउट कर लेना है. सो गाइज, अब हम बात करते हैं ओरिएंटल बोटैनिक्स के एलोवेरा ग्रीन टी एंड क्यूकम्बर पील ऑफ मास्क के बारे में. सो गाइज, जो पील ऑफ मास्क आपको क्लियर रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन देता है और आपकी जो स्किन है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, वो हाइड्रेट करता है. सबसे बड़ी बात, इसके अंदर भी ना ही पैराबिन है, ना ही सिलिकॉन है, ना ही सल्फेट है. सो ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है और इसको यूज़ करने का तरीका भी हम आपको दिखाते हैं. सबसे पहले तो आपको ये प्रोडक्ट हम निकाल लेना है अपने पाम पे और उसके बाद आपको जो अपने जो फेस पे है वो अप्लाई करना है. पील ऑफ मास्क की जो लेयर है वो आपको थिन नहीं रखनी, जो लेयर जो है वो मीडियम रखनी है बिल्कुल, ताकि आपको जो प्रोडक्ट है ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे जो पील ऑफ मास्क को सुखाने में. तो आपको सिंपली लगा लेना है और आप ये देख लेना आप जो जितने भी आपके बियर्ड जो हेयर है वहाँ पर ना लगे, क्योंकि जब निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है. तो यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर बियर्ड पर भी लग गया था तो मेरे को वॉश आउट करना पड़ा. आफ्टर पील ऑफ मास्क जो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होने लग गई है और आप देख सकते हैं. I hope you like the video. If you like the video, please like, comment on the video, and don't forget to subscribe me Unique. Until then, bye bye, take care.